एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची एक महिला को नया जीवन प्रदान किया। महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई है। जच्चा और बच्चा अब पूर्णतया स्वस्थ हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है और एक गर्भवती महिला और नवजात को नया जीवन प्रदान किया है। बीते 27 अगस्त को साजा निवासी गर्भवती महिला रूपा चंदेल को अत्यंत गंभीर अवस्था में परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया था। महिला को बार बार झटके आ रहे थे, साथ ही उसका बीपी भी बढ़ा हुआ था। महिला की गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उसे वेंटिलेटर में रखकर उपचार किया गया। महिला की हालत में सुधार होने के उपरांत उसकी डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी के बाद बच्चे की हालत भी चिंताजनक बनी हुई थी, जिसे डॉक्टरों ने अपनी निगरानी में रखकर उपचार किया। लगातार मिले बेहतर उपचार से महिला और नवजात की हालत में सुधार हुआ, जिन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। एसआर हॉस्पिटल चिखली लाने के पूर्व परिजनों द्वारा महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने परिजनों को महिला को हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद बेहोशी की हालत में महिला को एसआर हॉस्पिटल चिखली लाया गया। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पात्रे एवं एनेस्थीसिया एवं आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने महिला की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्ते, मैं डॉक्टर संगीता पात्रे, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एसआर हॉस्पिटल चिखली में अपनी सेवाएं प्रदान करती हूं। 27 अगस्त 2022 सुबह 7:30 बजे एसआर हॉस्पिटल चिखली में रूपा चंदेल नाम की 23 वर्षीय महिला, जो कि 9वें महीने की प्रेगनेंसी में थी, एमरजेंसी में हमारे पास में आती है। झटके लेते हुए रात के 3 बजे से मरीज को झटके आ रहे थे। प्रेगनेंसी का 9वां महीना और मरीज को पिछले 4-4.5 घंटे से झटके आ रहे थे। मरीज साजा जिले की रहने वाली थी, साजा क्षेत्र की रहने वाली थी। साजा से धमधा वाले रोग के एसआर हॉस्पिटल में आने में उसे मुश्किल से 1 घंटे का समय लगता, परंतु फिर भी मरीज 4.5 घंटे के बाद पहुंची। मरीज की अवस्था बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। ऐसी स्थिति में मरीज की जान और बच्चे की जान दोनों को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। एसआर हॉस्पिटल की हमारी टीम, जिसमें कि मैं हूँ, डॉक्टर पवन देशमुख सर है, हमारे डायरेक्टर साहब श्री संजय तिवारी जी, हम सब लोगों के गहन प्रयास के बाद हम लोगों ने माँ और बच्चे दोनों को बचाया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनास्थेशिया तथा आईसीयू इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ 27 अगस्त 2022 को सवेरे 7:30 बजे रूपा चंदेल नामक एक 23 वर्षीय महिला बेहोशावस्था में कैजुअल्टी में एडमिट हुई। मरीज 9 महीने की गर्भवती थी। हमारे यहाँ जब मरीज आई तब उसका बीपी अत्यधिक बढ़ा हुआ था तथा सवेरे 3 बजे से उसे लगातार झटके आ रहे थे। मरीज के परिजन मरीज को लेकर कई छोटे अस्पतालों में गए, जहाँ पे उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए अस्पतालों ने उन्हें हायर सेंटर ले जाने की। मरीज जब हमारे पास आई तब उसका बीपी बढ़ा हुआ था, मरीज को कंटिन्यूस झटके आ रहे थे, मरीज का बीपी बढ़ा हुआ था। ऐसी अवस्था में माँ की तथा बच्चे की दोनों को जान को अत्यधिक खतरा था। हमारे डॉक्टरों की टीम ने समय का ध्यान रखते हुए तुरंत मरीज को इंट्यूबेट किया तथा वेंटिलेटर पर रखा गया। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग की ओर से बोल रहा हूँ। विगत 27 अगस्त को मॉर्निंग में करीब 7:30 बजे के आसपास हमको साझा क्षेत्र की एक महिला को बहुत ही गंभीर अवस्था में जिस अस्पताल में भर्ती किया गया, जो कि जिसको कि करीब करीब 7.5-8 महीने की प्रेगनेंसी थी और जो जिसको झटके भी आ रहे थे, मतलब उसकी डायग्नोसिस मानी थी टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति होती है और गर्भधारण के 3री तिमाही में ही ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मदर को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और चूँकि बच्चे की स्थिति भी पेट के अंदर ख़राब होते जा रहा था, तो आनंद फानंद में उसको भर्ती करके उसको इंटूबेट किया गया। इंटूबेट करके मदर को सेटल किया, फिर करीब 2 घंटे बाद मदर को ओटी में ले जाके बच्चे का मतलब सीजर ऑपरेशन किया गया, जिसमें बच्चा जब बाहर निकला तो बच्चा अति गंभीर था, क्योंकि मदर को
तीन घंटे चार घंटे से झटके आ रहे थे और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बच्चा भी बहुत ही सीरियस कंडीशंस में बाहर आया। तो बच्चे को जब बाहर आया तो देखे तो उसका वजन भी बहुत कम था, क्योंकि वो करीब 6 हफ्ते पहले पैदा हो गया था, मतलब निर्धारित समय से, तो और वज़न भी 1780 ग्राम था। तो बच्चे को भी आनंद फानंद में हमने NICU में उसको शिफ्ट किया। NICU में शिफ्ट करके उसको भी हमने CPAP के द्वारा उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दिया गया। महिला के ससुर रामचंद चंदेल ने अस्पताल के डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए अपने मेरा नाम रूपा चंदेल है। जब मैं आई थी मुझे झटकियाँ रखी, बहुत सीरियस थी। यहाँ के डॉक्टरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे जानना चाहिए मेरे बच्चे की। चंदेल शाहजहाँपुर बोड़ी तिरियाभाट के निवासी, बेमेतरा जिला का। मैं अपना पेशेंट को बहुत गंभीर हालत में लाया था और डॉक्टर का मेहरबानी था और ऊपर वाले के मर्जी था कि मेरे बहू को और मेरे बेबी को दोनों को बचा लिया, और डॉक्टर मन के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया था आपकी बहू को? मेरे बहू को झटका आ रहा था, पेट में बच्चा था। गौरतलब है कि अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से युक्त SR हॉस्पिटल चिकली में अत्यंत गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया जा चुका है। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, जिसे लेकर अस्पताल द्वारा अपनी शुरुआती दौर से कार्य किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।